देखिए, किडनी लीवर की तो विशेषता है ही, साथ में यहाँ कैंसर से जो ग्रस्त हैं पेशेंट वो आते हैं, और साथ में बहुत से ऐसे पेट के रोग हैं, घुटनों से संबंधित रोग हैं, या इधर उधर के बहुत से छोटे बड़े रोग हैं, उनकी भी चिकित्सा होती है। लेकिन मुख्यतः जो बलप्रदा आश्रम जाना जाता है वो किडनी और लीवर के इलाज के लिए मुख्यतः जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी, मैं सूरज मौर्य। इस समय हम आए हुए हैं, ये है विजयनगर ग्राम भिलवाड़ी बिलारी मुरादाबाद, और बलप्रदा आश्रम है ये। आज लोगों की ज़िंदगी जो भागदौड़ की जो ज़िंदगी है, और जो आज का खान पान है, केमिकल युक्त जो सब्जियां हैं, जो फल है, जो मिठाइयां हैं, उनको खाकर जिस तरह से लोगों की जीवन शैली बिगड़ रही है, उसको लेकर यहाँ आयुर्वेदिक संस्थान चिकित्सालय है, और ये बलप्रदा आश्रम है। यहाँ पेट संबंधी, किडनी संबंधी रोगों का इलाज किया जाता है, और पूर्णतया आयुर्वेदिक चीज़ों से। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, मैं सबसे पहले आपसे परिचय जानूंगा, आपका परिचय। मेरा नाम रजत शर्मा है, मैं यहाँ सर्वर पर बैठता हूँ, यहाँ के सर्वर को देखता हूँ। और जैसा कि आपने बताया बलप्रदा आश्रम के बारे में, मैं भी थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। बलप्रदा आश्रम को यहाँ स्थापित हुए करीब करीब 25-30 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और हज़ारों नहीं लाखों लोगों को यहाँ से बहुत सी चिकित्सा के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में बहुत सी मदद मिली है। और वैसे तो ये छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव का नाम अगर आप देखेंगे तो विदेशों तक में पहुंच चुका है। और इसका अगर श्रेय हम देना चाहेंगे तो हमारे आदरणीय स्वर्गीय वैद्य जी श्री विजयपाल सिंह जी, जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने यहाँ की स्थापना की बलप्रदा आश्रम की, और धीरे धीरे आश्रम को ये समझ लीजिए शून्य से लेके और शिखर तक पहुँचाया। आज अगर आप पूछेंगे तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, बहुत से रोगी आते हैं, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि किडनी के पेशेंट आते हैं, लीवर के पेशेंट। हमें जो जानकारी है, किडनी और लीवर का जो है इलाज जो है विशेष तौर पर है, विशेष तौर पर है। लेकिन देखिए, किडनी लीवर की तो विशेषता है ही, साथ में यहाँ कैंसर से जो ग्रस्त हैं पेशेंट वो आते हैं, और साथ में बहुत से ऐसे पेट के रोग हैं, घुटनों से संबंधित रोग हैं, या इधर उधर के बहुत से छोटे बड़े रोग हैं, उनकी भी चिकित्सा होती है। लेकिन मुख्यतः जो बलप्रदा आश्रम जाना जाता है वो किडनी और लीवर के इलाज के लिए मुख्यतः जाना जाता है। अच्छा, ये जो यहाँ का जो वातावरण है, सबसे ज़्यादा यहाँ का वातावरण और लुक देखने से ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ अगर कोई पेशेंट आता है ना, तो वो यहाँ का वातावरण देख के सबसे पहले थोड़ा सा बहुत अच्छा महसूस करता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि जो हमारे वैद्य जी थे उनका जो ध्येय था ना, वो व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाने का था। यहाँ आया, दवाई खरीदी उसने और चला गया, वो ये नहीं था। यहाँ से व्यक्ति को सकारात्मकता कितनी मिल रही है, कितनी ऊर्जा मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, कितनी पॉजिटिविटी लेकर जा रहा है वो। क्योंकि जब यहाँ व्यक्ति आता है और आने के बाद उसे सकारात्मकता ना मिले, तो हमारे वैद्य जी कहते हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है। फिर यहाँ जब आएगा वो सकारात्मकता लेकर जाएगा, दवाई लेकर जाएगा, स्वास्थ्य लेकर जाएगा, और पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। हमारे वैद्य जी का नारा था कि पूरे हिंदुस्तान को हम स्वस्थ बना के रखेंगे। जो आज जहर खा रहा है वो किसी भी तरीके से खा रहा है, चाहे आप केमिकल युक्त खेती होती है उसके माध्यम से है, या कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जो अलग अलग पैथीज में केमिकल युक्त होती हैं, हम हर चीज़ से उसे छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ करना चाहते हैं। अब आप जैसे कि आए हैं और मैं आपको दर्शन भी कराना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं इधर, थोड़ा सा हमारा कैमरा इधर भी दिखाएं, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे आदरणीय वैद्य जी शायद शारीरिक रूप से और फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका विज़न जो था वो हमारे साथ हमेशा बरकरार रहता है। यही वो पुण्य आत्मा है जिनकी वजह से आप इस आश्रम को देख रहे हैं। इनकी दूरदृष्टि, इनका सोचने का तरीका, मैं समझता हूँ कि ऐसे विरले ही लोग होते हैं और विरले ही इस संसार में लोग आते हैं जो ऐसी दिव्य सोच रखते हैं। तो सारा को जितना भी आप सेटअप यहाँ का देख रहे हैं, जितना भी आप आए, थोड़ा लेट हैं, अब अगर थोड़ा जल्दी आते तो आपको पता चलता कितने पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, सारा कुछ। तो जितना भी हम कर पा रहे हैं वो सब इन्हीं के विज़न है।
आदरणीय स्वर्गीय वैद्य, ये जो आपको बता दे, जो लोग देख रहे हैं, जैसा कि बताया, इस चिकित्सालय का स्थापना जो हुई थी वो आज से 35 से 40 वर्ष पूर्व और स्वर्गीय वैद्य जी द्वारा की गई थी। आज वैद्य जी, जैसा कि बताया, वैद्य जी आज साथ नहीं, लेकिन उनका जो विजन है वो आप सभी के साथ है और उसी विजन को लेकर यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग कार्य कर रहे हैं। आगे भी हम दिखाएंगे आगे का नज़ारा, बहुत यहाँ चिकित्सालय का नज़ारा देखने से ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। अच्छा, इसको देखरेख करने के लिए किस तरह से, देखरेख भी तो बड़ी मुश्किल होती है। देखिए, मुश्किल नहीं, ये हमारा जो बलप्रदा परिवार है ना, ये पूरा एक परिवार की तरह रहता है। ये समझ लीजिए, जैसे आप अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि ये पोस्ट है, ये है, ऐसा है, वैसा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ अगर मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ के गार्ड खड़े हुए हैं, तो अगर उन्हें कोई चीज़ लग रही है कि यहाँ कोई में दिक्कत है, मान लीजिए कोई पौधा या कोई भी चीज़ है खराबी है, तो वो खुद अपने स्तर से करते हैं चीज़ों को। और यहाँ पूरा एक, मतलब कहते हैं ना, कुटुंब बन के रहते हैं व्यक्ति। यहाँ सारा सेटअप आप जितना भी देखेंगे, एक तो हम कहेंगे कि माँ भगवती की कृपा है, दूसरा वैद्य जी का आशीर्वाद है, तीसरा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कर्मचारी गण है, वो एक परिवार की तरह है। अच्छा, तो अब हम महत्वपूर्ण बात करेंगे जिस चीज़ को लेकर हम यहाँ देखने आए हैं, इलाज। यहाँ इलाज कौन सी पैथी से होता है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कौन सी पैथी के द्वारा इलाज किया जाता है? देखिए, विश्व की प्राचीनतम पैथी जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद का पूर्ण आयुर्वेद का इलाज यहाँ पे होता है। और हमारा परिसर जितना भी है, सब आयुर्वेदिक परिसर ही आपको दिखेगा। यहाँ अगर एक एक पौधा भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई जड़ी बूटी आपको मिलेगी। और उतना डीपली मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं उस क्षेत्र का नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो भी कुछ लगा हुआ है वह आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है, और आयुर्वेद का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत चीज़ें हैं। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सफलता यहाँ इलाज में मिली है वो कौन सी बीमारी से मिली है? देखिए, अच्छा, जानकारी का मैं बता सकता हूँ आपको। सफलता ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना कि एक नाम निकल जाता है कि हाँ, देखिए बलप्रदा आश्रम में किडनी के पेशेंट्स को, लीवर के पेशेंट्स को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जानते हैं बलप्रदा, किडनी और लीवर को लेकर जानते हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पेशेंट हर तरीके का आता है। अगर नॉर्मल पेट से संबंधित उसकी कोई कब्जियत की समस्या मान लीजिए, तो वो भी यहाँ पर आता है। और बड़ी से बड़ी बीमारी लेके, जैसे कि कैंसर के भी पेशेंट ठीक होते हैं यहाँ से, और किडनी लीवर तो है ही, आप जानते हैं। तो ऐसा कुछ, मतलब मैं विशेषकर ऐसा कहूँ कि हमें इस चीज़ में सफलता मिली हुई, ऐसा नहीं है। किडनी लीवर का नाम है, लेकिन सभी पेशेंट्स यहाँ आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वैद्य जी तो अब नहीं है, तो उनके ना होने पर अब इस चिकित्सालय की देखरेख, इस चिकित्सालय का संचालन कौन कर रहा है? कहते हैं ना कि देखिए, एक चेन से दूसरी चेन जुड़ जाती है ना, एक कड़ी से एक दूसरी कड़ी जुड़ जाती है। तो वैद्य जी के ही सुपुत्र डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, वो अब यहाँ का संचालन देख रहे हैं। वो पेशेंट्स भी देखते हैं, यहाँ का संचालन भी देखते हैं, और अब जो है सारा कुछ उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है। और अभी भी वो पेशेंट में थोड़े से हैं बिज़ी, और शायद नहीं होते तो आपकी भी बात हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनका एक तरीके से सेवक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप। तो उनके ना होने पे उनकी जानकारी थोड़ी सी जो भी है वो अगर आप मांगेंगे तो मैं दूंगा आपको फिर। लेकिन अगली वीडियो में आपको हम वैद्य जी से ज़रूर मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, हम ये चाहेंगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको एक बार एड्रेस आप स्वयं बता दें, ताकि वो आसानी से यहाँ तक किस तरह से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ का व्यक्ति है, लखनऊ का व्यक्ति अगर यहाँ आना चाहे यहाँ चिकित्सालय पे, तो कैसे आए? देखिए, यहाँ का एड्रेस जो है वो पूरा एड्रेस ऐसे कहा जाता है कि मोहल्ला विजयनगर है। ये क्षेत्र जो है हमारे वैद्य जी के नाम पे ही पड़ा हुआ है। विजयपाल सिंह जी नाम था उनका, और मोहल्ला विजयनगर उन्हीं के नाम से ही पड़ा हुआ है। तो मोहल्ला विजयनगर, गाँव जो लगता है ये भिड़वारी लगता है, भिड़वारी, तो मोहल्ला विजयनगर, ग्राम भिड़वारी, और तहसील जो लगती है वो बिलारी लगती है, यहाँ की बिलारी तहसील लगती है। और पोस्ट ऑफिस जो है वो ग्वारू है, और डिस्ट्रिक्ट जो लगती है वो मुरादाबाद लगती है। तो आदमी अगर आना चाहे तो मुरादाबाद से भी यहाँ आएगा, मुरादाबाद से सीधे बिलारी आएगा, और बिलारी से यहाँ आ सकता है। एक और रास्ता है चंदौसी होते हुए, जो मैं बड़े बड़े शहर बता रहा हूँ, मुख्य शहर चंदौसी होते हुए भी व्यक्ति आ सकता है। चंदौसी आएगा, चंदौसी से बिलारी आ जाए, यहाँ आ जाए। तीसरी, अगर वो उसे आना है दिल्ली से अगर आना है, तो दिल्ली से ही मुरादाबाद होते हुए आ सकता है वो व्यक्ति, ठीक है। एक रास्ता पाकबाड़ी से पड़ता है मुरादाबाद। गूगल पे है? गूगल पे बिल्कुल है, एड्रेस पड़ा हुआ बिल्कुल है। आप अगर बलप्रदा आश्रम सर्च करेंगे तो बलप्रदा आश्रम में हमारा सबसे पहले आपको खुल के आएगा, और आप आसानी से आ सकते हैं।
हैं। अच्छा, लोगों के लिए अगर बात करें खान पान की, तो किस तरह के खान पान की आप राय देना चाहेंगे? देखिए, खान पान की राय, जितना आप प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, और जितना आप इधर उधर जाएंगे उतना ही आपको अस्वास्थ्य प्राप्त होगा। आप जितना निकटतम चीज़ें आप नहीं लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके निकट में कोई सब्जी वाला बेचने वाला है, ठीक है, तो उससे आप बात कर लीजिए कि साहब मुझे आप चमकदार चीज़ें ना देके स्वस्थ रखने वाली चीज़ें दीजिए, है ना। आजकल हम क्या है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि जो चीज़ चमकदार है वो चीज़ अच्छी है। केमिकल्स के थ्रू सब्जियों को चमकाया जा रहा है या फलों को चमकाया जा रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो अगर कोशिश हो सके तो जैविक खाने का प्रयास कीजिए। आपका क्षेत्र जो भी है वहाँ थोड़ा सा सर्च कर लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है जो जैविक खेती कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन दीजिए। प्रोत्साहन देने के साथ साथ उसे उसकी जो माल है उसे खरीदिए और उसे अपना भी कंज्यूम कीजिए। और अगर आप खेती करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप भी एक हिस्सा अपना जैविक खेती करें, और ख़ासकर अपने परिवार के लिए तो कर ही लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बरकरार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी को बताना चाहेंगे, दर्शकों को, यदि आपको भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो एक बार यहाँ जो चिकित्सालय है, संस्थान है, यहाँ पर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पूर्णतया आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ठीक किया जाता है। यहाँ आएँ और आगे हम यहाँ का थोड़ा सा परिवेश आपको दिखाएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जुड़े रहिए टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी के साथ। नमस्कार।